पाकिस्तानी सांसद और फेमस टीवी होस्ट रहे डॉक्टर आमिर लियाकत का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक आमिर कराची स्थित अपने अपार्टमेंट पर मृत पाए गए। रिपोर्ट दावा कर रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। उनकी मौत की खबर आने से लोग सदमे में हैं। इसी बीच उनकी तीसरी पत्नी सैयदा दानिया सहा का भी रिएक्शन सामने आया है। आमिर लियाकत की तीसरी पत्नी सैयदा दानिया सहा उनसे 31 साल छोटी थी। दानिया ने हाल ही में आमिर लियाकत पर मारपीट, ड्रग्स लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और तलाक की मांग की थी। आमिर की मौत पर दानिया ने ट्वीट किया था कि अल्लाह उन्हें माफ करे, लेकिन ये वाकई में हैरान करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर लियाकत के नौकरों का कहना है कि उनकी तबीयत पिछली रात से ही सही नहीं थी। उनके सीने में दर्द हो रहा था। जब स्टाफ ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तब उन्हें कुछ आशंका हुई। फिलहाल आमिर के कमरे को सील कर दिया गया है। सैयदा से आमिर की शादी इसी साल हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी। आमिर लियाकत से खुला के लिए दानिया ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और उनसे 15 करोड़ रुपए और गहनों की डिमांड रखी थी। दानिया ने अर्जी में कहा था कि आमिर मुझे छोटे से कमरे में रखता है, नशे में मुझे पीटता है और मेरे परिवार वालों को गंभीर नतीजे भुगतने की भी धमकी देता है। आमिर लियाकत का कुछ समय पहले प्राइवेट वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसका आरोप आमिर ने तीसरी पत्नी दानिया पर लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि वीडियो में आमिर के बेड पर ड्रग्स भी रखी हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद लियाकत ने कहा था, दानिया ने जो किया वह निकाह जैसे पाक संबंध को तार तार करने वाला है। उन्होंने निकाह की निजता और विश्वास तोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर अपना प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद से बहुत आहत थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।